देव क्लासेस टीजीटी पीजीटी आर्ट में आप सभी का स्वागत है। जो टीजीटी पीजीटी आर्ट के स्टूडेंट हैं तो वो भी जाकर वीडियो देख सकते हैं, काफ़ी वीडियो हैं। अब मैं जो हूँ EMRS के बारे में जो है, आपका डे का क्या टाइमिंग है, किस टाइम उठना है, किस टाइम आपको स्कूल जाना है, किस टाइम लंच होगा, तो वो सारी जो दिनचर्या है उसके बारे में बता रही हूँ कि किस किस तरह से आपको क्या क्या है, क्या उसकी टाइमिंग है, क्या नहीं है, वो पूरी जानकारी आपको दे रही हूँ। तो जो भी स्टूडेंट या जो भी जो है इस वीडियो को देख रहे हैं और नए हैं, तो उनसे यही अनुरोध है कि वो जो है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें तथा दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि 1000 के मैं काफ़ी करीब हूँ, तो आपका थोड़ा सा सहयोग जो है मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले है इसकी टाइमिंग में EMRS में क्या होगी, तो सबसे पहले है आपको सुबह जो है वेकअप टाइम, यानी सबसे 5:30 बजे जो है आपको जो है जागना होगा वहाँ पर। फिर है वॉश एंड ईजी, तो ये सब कार्य जो है आपको 5:30 से 5:50 तक का इसमें टाइमिंग मिलेगा। फॉल इन स्कूल ग्राउंड, इस ग्राउंड में जो है आपको 10 मिनट के लिए बुलाया जाएगा। मॉर्निंग पीटी, फिर मॉर्निंग में आपकी पीटी होगी, वो 6 से 6:30 बजे तक होगी। फिर है रिलैक्स, ये टाइम आपको रिलैक्स दिया जाएगा 6:30 से 6:40 तक का, यानी 10 मिनट का जो है रिलैक्स दिया जाएगा। सेल्फ स्टडी आवर, फिर जो है आपको क्या करना होगा, खुद से पढ़ाई करने के लिए 1 घंटा मिलेगा, यानी 6:40 से 7:40 तक जो है आपको पढ़ाई करनी है। फिर जो है आपको स्कूल जाने के लिए बाथ एंड ड्रेसअप होना है, यानी नहाना है और तैयार होना, इसके लिए मिलेंगे आपको 30 मिनट, यानी सात चालीस से 8:10 तक। फिर इसके बाद जो है आपका ब्रेकफास्ट होगा, ब्रेकफास्ट के लिए दिए जाएंगे आपको 40 मिनट, तो ये होगा आपका 8:10 से 8:50 तक। फिर है डिपार्चर ऑफ स्कूल, यानी स्कूल में कब जाना है, तो आपको सात कह रही 8:50 से 8:55 के बीच में जो है आपको स्कूल में पहुंच जाना है। फिर डिपार्चर ऑफ स्कूल पहुंचने के बाद जो है आपको क्लास अटेंडेंस, फिर आपकी 8:55 से 9 बजे तक जो है अटेंडेंस होगी। फिर मॉर्निंग असेंबली, यानी मॉर्निंग की जो प्रार्थना है, प्रेयर है, असेंबली है, वो आपकी 9 से 9:30 तक होगी। फिर है एकेडमिक क्लास जो, यानी पढ़ाई वाली क्लास है, वो होंगी आपकी 9:30 से 11:30 तक। शॉर्ट ब्रेकफास्ट, यानी एक छोटा सा ब्रेकफास्ट के लिए टाइम दिया जाएगा, जैसे बच्चे होते हैं पानी वगैरह पिया है, टॉयलेट वगैरह जिसको जाना है, तो वो मिलेगा 11:30 से 11:40 तक। एकेडमिक क्लास जो है फिर हो जाएंगी आपकी 11:40 से 1 बजे तक जो है फिर चलेंगे। फिर 1 से 2 बजे तक जो है आपका लंच टाइम होगा, यानी 1 घंटे का आपको पूरा लंच के लिए दिया जाएगा। फिर एकेडमिक क्लासे, फिर क्लासे चल जाएंगी आपकी 2 बजे से 4 बजे तक। फिर है चेंज रेस्ट एंड रिलैक्स के लिए आपको 15 मिनट दिए जाएंगे, 4 से 4:15 तक। टी टाइम, फिर आपको जो है 4:15 से 5:30 के बीच जो है टी दी जाएगी, ठीक है। फिर आगे का मैं बता रही हूँ, इसके आगे क्या क्या होगा। फिर जो है आपको टी के बाद जो है गेम और स्पोर्ट्स का पीरियड होगा, वो आपका 1 घंटे के लिए खेलने के लिए जो दिया जाएगा वो 4:30 से 5:30 तक है। वॉश एंड इजी रेस्ट जो है वो है 5 से, अगर किसी को कुछ भी करना है तो 5:30 से 6 बजे तक का टाइमिंग है। हाँ, प्री रेमेडिकल होमवर्क क्लासेस, यानी होमवर्क की जो क्लास चलेगी वो आपकी होगी 6:00 से 7:00 बजे तक है। इवनिंग प्रेयर, फिर शाम के समय जो प्रेयर होगी वो होगी आपकी 5 मिनट की, तो वो होगी आपकी 7:25 से 7:30 तक। 7:30 के बाद जो है आपकी डिनर की जो क्लासेस हैं वो होंगी 8 से 9 बजे तक, यानी क्लासेस कह रही है डिनर होगा जो, वो आपका होगा 8 से 9 बजे तक। फिर है सेल्फ स्टडी, यानी खुद से जो जिसको भी पढ़ना है, जो भी कुछ करना है, याद करना है, जो भी होमवर्क मिला हो या आपका याद करने के लिए वर्क मिला हो, वो होगा आपका 9 से 10:30 बजे तक। और लाइट ऑफ, यानी 10:30 बजे जो है आपको सोने के लिए भेज दिया जाएगा, यानी लाइट ऑफ हो जाएगी। तो आप सभी को जो है मेरी बताई हुई जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।